त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत द्वितीय चरण में विकासखंड जावद में मतदान होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय जावद से मतदान सामग्री वितरित कर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया। मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल पर बगैर पूर्व सूचना और बगैर अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए 9 कर्मचारियों को अपर कलेक्टर सुश्री नेहा मीणा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अपर कलेक्टर सुश्री नेहा मीणा ने बताया कि मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए स्थापित जावद केंद्र पर अनुपस्थित रहने पर अनुविभागीय अधिकारी कृषि कार्यालय नीमच के भ्रति प्रभुलाल बलवारा, कृषि उपज मंडी समिति नीमच की चतुर श्रेणी कर्मचारी मुकेश अहिर, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नीमच के सहायक ग्रेट रिजवान अयुबी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय भोपतपुरा की प्राथमिक शिक्षक केसर सिंह भाटी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय जाली नहर के सहायक अध्यापक जय प्रकाश शास्त्री, शासकीय प्राथमिक विद्यालय बरखेड़ा जाट के प्राथमिक शिक्षक यतवती शर्मा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय कालूखेड़ा के सहायक अध्यापक ज्योति कुमावत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महागढ़ के अध्यापक सत्यनारायण सोनी एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुंडला के सहायक अध्यापक कोमल पाटीदार को निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण दायित्व के प्रति गंभीर उदासीनता बरतने और अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।